जिमीदारों के लिए खाद खाब बन गई। जिमीदार कहते हैं कि खाद ना मिलने के सवाब फसलात तबाही के दाने पर खड़ी है। एसी साहब, हमारी अपील है कि आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें अच्छे तरीके से। हमारी आपसे अपील है कि जिधर जिधर से भी आप हमें खाद दिलवा सकते हैं, जरूर अपना अपनी किरदार अदा करके हमारे मसले हल करें। हमें गैर जरिए से पता यही चला है कि खाद आई है, लेकिन जो डीलर आपने मुंतखब किए हैं हमें वो कह रहे हैं कि पीछे से खाद नहीं आ रही। रात को अगर चले जाती है तो हम तो नहीं पकड़ सकते, आप ही पकड़वा सकते हैं। हमारी अपील है पूरे इलाके तक, यकीन जानिए कि पूरा 400 बंदा सुबह लाइन में खड़ा था। हाजी आतिफ साहब आए, उसने कहा जी कल भी खाद नहीं आ सकी, आज भी नहीं आई, कल कोशिश करूंगा। अभी हमें नहीं पता है, अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे सर तो हम क्या करेंगे। आपको पता है कि यही चंद देने से रुके हमको खाद डालने के लिए। हमारी यही अपील है कि आप मेहरबानी करके हमारा मसला हल करें। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, अभी सुबह 4 बजे हम घर से निकले हैं। अभी जिम्मेदार कहते हैं कि इंतजामिया को सब मालूम है कि खाद किसको कहां बेची जा रही है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में बहरहाल सार पीटने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर दिलचस्पी नहीं लेते। जिम्मेदारों ने कमिश्नर सरगोधा और वजीर आला पंजाब से मामलात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है।